विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर मतदान अभी जारी है और दोपहर के बाद तक है कतारें, लंबी कतारें देखने को मिली है और इस बार है मतदान करने के लिए फर्स्ट टाइम वोटर किस मुद्दों पे चुनाव में मतदान कर रहे हैं उनसे जानते हैं किस प्रकार की उनकी। भैया क्या नाम है आपका? शैलेंद्र। शैलेंद्र पहली बार वोट दे रहे हो जी। कैसा लग रहा है पहली बार मतदान करते हुए आपको? काफी अच्छा लग रहा है। और इस बार किन मुद्दों को लेकर आप मतदान कर रहे हैं? जो अच्छे से काम करेगा और जो समाज के लिए अच्छी नीति लाएगा उसके लिए हम वोट देंगे। बिल्कुल विकास का मुद्दा रहेगा। बिल्कुल विकास के मुद्दे जो अच्छे काम करें उनके हमारे साथ हो रहे। भैया क्या नाम है? इनायत अली नाम है। इनायत अली जी अब पहली बार वोट दे रहे हैं? हाँ जी पहली बार दे रहे हैं। पहली बार मतलब इससे पहले कहीं मतदान विधानसभा में नहीं दिया? कहीं भी वोट पहली बार कहीं कहीं नहीं दिया। मुद्दों को लेकर आप चुनाव में मतदान कर रहे हैं, व्यक्ति देख रहे हैं या पार्टी को देख वोट दे रहे हैं? हम पार्टी को नहीं देखते ना व्यक्ति को देखते हैं, हमको सही देखी देख रहे हैं कि वो विकास कैसे करते हैं हमारे लिए या हमारे सारे इंसान के लिए जो कि हमारे भारतीय जो जनता वगैरह उनके लिए वो क्या क्या करना चाहते हैं और क्या क्या आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं। पूरे देश में विकास विकास नाम होता है, विकास में कौन सी चीजें आप चाहते हैं उनका काम होना चाहिए? विकास वगैरह में जैसे शिक्षा वगैरह हमारे शिक्षा में उनका और हॉस्पिटल में उनका वगैरह जैसे हॉस्पिटल में कम खर्चे में कोई इंसान गरीब इंसान अपना काम करवा सके उनके लिए आगे बढ़ना या शिक्षा के मामले में आगे बढ़ना उनके विकास कैसे होता है। और जैसे हमारे कुछ शहर वगैरह है जैसे गिरता शहर है इस शहर में जैसे धीरे धीरे रोडे वगैरह बन रही है और जिला तो पता नहीं कब बनेगा अगर जैसे रोडे बन रही है इनका रोड का विकास हो रहा है जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है सिटी बन रही है इसके साथ साथ ये चाहते हैं कि कौन आगे विकास बढ़ाएगा। बिल्कुल ये विकास के मुद्दों पर इस बार चुनाव मतदान कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुगीस। मुगीस जी इस बार आप पहली बार मतदान कर रहे हैं? हाँ। कैसा लग रहा है मतदान? बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी युवा जो देख रहे हैं उनको किस प्रकार से आप प्रेरित करते हैं कि मतदान देना चाहिए जो अब तक मतदान बूथों पर नहीं आए? नहीं मतदान देना चाहिए, मतदान बहुत जरूरी है, मतदान एक शहर के लिए बहुत अच्छी है, हमें देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और एक विशेष व्यक्ति को चुनना चाहिए जो इस शहर को इस गांव को इस देश को अच्छा बना सके अच्छा रख सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति है। स्वाति जी पहली बार मतदान कर रहे हैं? जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है, कैसा उत्साह है इस बार? जी बहुत बहुत उत्साह है क्योंकि मेरा इस बार पहली बार वोट है और मुझे भी मतदान के अंदर अपना मत दे के किसी को विजय बनाना है। कितने टाइम से इंतजार था कि मेरा भी नंबर आए वोटिंग में और मैं वोट दे पाऊँ? जब से मुझे समझ आई मतदान क्या होता है उस टाइम से मैं चाहती थी कि मैं अपना मत दूं और अपना वोट देके किसी को विजय बनाऊं। आप मतदान करने आए हैं तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार महिलाओं के लिए युवतियों के लिए क्या ऐसा नियम बनाए जिससे आप ज्यादा खुश होंगी उनके पक्ष में मतदान करेगी? जी वैसे भी बहुत सुरक्षा दी जा रही है महिलाओं को और भी ज्यादा सुरक्षा देनी चाहिए, उनकी शिक्षा के अनुकूल भी और सारे प्रयास करने चाहिए और उनकी सुरक्षा के अनुकूल भी बहुत सारे प्रयास करने चाहिए। बस यही दो चीजें हैं जो ज्यादा से ज्यादा महिला को प्रदान करनी चाहिए, शिक्षा और सुरक्षा। बाकी युवाओं को क्या अपील करना चाहेगी मतदान को लेकर आप? जी बिल्कुल सबका एक जागरूक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपना मत दे के अपना अपने प्रतिनिधि को विजय बनाए क्योंकि जितने ज्यादा मत दिए जाएंगे और जो अच्छा काम करेगा सभी को यही सोच के मत देना चाहिए कि जो अच्छा व्यक्ति है उसी को मत दे, बाकी ये क्षेत्रवाद जातिवाद इन सबको छोड़ के ऊपर वाली सोच पे मत देना चाहिए। क्या नाम है आपका? सीमा गोड। सीमा जी पहली बार मतदान कर रहे हैं? जी हाँ मेरा मतदान पहली बार है। कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कितने लंबे समय से इंतजार था कि मैं भी मतदान करूं? मुझे बहुत लंबे समय से इंतजार था कि मैं मतदान करूं और आज वो अवसर आया है। आप लंबी कतारों में खड़ी हैं तो क्या सोच के मतदान करेगी क्योंकि आपका शुभारंभ है, किसी भी काम की बौनी बटा अच्छी करना चाहिए, किन मुद्दों को लेकर आप किस पार्टी या प्रत्याशी को मतदान करेगी, आप क्या चाहती है कि सरकार महिलाओं और लड़कियों के लिए ऐसी योजनाएं लेके आए? मैं उस पार्टी को मतदान करना चाहूंगी जो सबके लिए हितकारी हो, खासतौर लड़कियों के लिए, शिक्षा क्षेत्र के लिए। सर है इनकी क्या विचारधारा है, किन मुद्दों पे विचार? क्या नाम है आपका? हिना। हिना इस बार पहली बार वोट दे रहे हैं? पहली बार दे रहे हैं। कैसा लग रहा है वोट देकर? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या सोच के वोट दे रहे हैं, व्यक्ति देख रहे हैं पार्टी या विकास के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं? नहीं सबको देना चाहिए, अच्छी बात है, वोट पहली बार दे रही थी। मेरा पहला मतदान है, मैं पहला मतदान देकर बहुत खुश हूँ। मेरा नाम अर्जुन सिकवाल, मेरा पहला मतदान और मेरा पहला मतदान राष्ट्र हित के लिए है। मैं मेरे प्रति बहुत उत्साह है, पहला मतदान देकर मेरे अंदर बहुत उत्साह है और मैं सभी लोगों से अपील करूंगा शत प्रतिशत मतदान करें। बिल्कुल आपका क्या नाम है? रवि सिकवाल। पहली बार वोट दे रहे? जी सर। अच्छा कैसा लग रहा है, कैसा महसूस? बहुत अच्छा फील हो रहा है और सभी भाई लोगों को निवेदन कर रहा हूँ कि राष्ट्र हित के लिए वोट करें। रामोतार सिकवाल नाम है मेरा। ये पूरा सिकवालों को बोलेगा वोट नहीं लग रहा है क्या? जी। पहली बार वोट लग रहे, कैसा लग रहा है आपको? पहली बार वोट दिया मैंने, बहुत उत्साह है मेरे अंदर और मैंने अपने मतलब राष्ट्र हित को देखते हुए
मतदान देना आवश्यक समझा। और आजकल जैसे राजस्थान में ऐसे मतलब पेपर लीक होना, इन सभी काफी मुद्दे हैं और उसको हमारे अंदर मतलब मन का प्रत्याशी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने अपने इस बार आप पहली बार मतदान कर रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? नेहा लोहिया। नेहा लोहिया, तो किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे, क्योंकि आप व्यक्ति को या कौन सी पार्टी को चुनेंगे जिससे आपको जो शुरुआत आपकी अच्छी होगी? देखो मैं वैसे ही, उन्होंने काफी कुछ अच्छा करा है मेड़ता के अंदर, तो अभी मैं ये चाहती हूँ कि अगर है ना तो वो अब वोट हम इसी है ना तो विश्वास से देना चाहते कि वो आगे जो है और अपने मेड़ता को और अच्छा है ना तो प्रोग्रेस पे लेके जाए, और है ना तो जो मेड़ता की जो है ना तो प्रोग्रेस चल रही है वो रुके नहीं, तो अभी तक तो अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो आगे भी अगर इन्हीं को ही है ना तो वोट देते तो शायद आगे और अच्छा करे। ये अभी तक मतदान केंद्र में जो नहीं पहुंचे हैं मतदान, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि आओ और मतदान तो करो, देखो अपने हिसाब से जो आपको जिनको आम आदमी का अधिकार है ये, तो आप आओ और वोट तो दो। तो इस बार विधानसभा चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर है जो काफी उत्साहित है, वो कह रहे थे लंबे समय से हमें इसे इंतजार था इस पल का कि हम कब लोकतंत्र के उत्सव में भागीदार बनेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। साथ ही ये कह रहे हैं कि कौन से मुद्दे हैं विकास के मुद्दे इनमें हावी रहेंगे, ये युवतियां और युवक ये कह रहे हैं कि जातिवाद समाजवाद से ऊपर उठकर देश हित के लिए जो भी पार्टियां या प्रत्याशी काम करें उन्हीं के पक्ष में मतदान करना चाहिए।